पाली जिले के सुमेरपुर में राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मदन राठौड़ का नगर आगमन हुआ। सांसद राठौड़ का नगर आगमन होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सांसद राठौड़ ने इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए समर्थकों के साथ आवेदन भी जमा कराया था, लेकिन भाजपा आलाकमान ने राठौड़ को मना कर आवेदन वापस लेने को तैयार कर लिया था। इसके तहत ही पार्टी आलाकमान ने पार्टी के प्रति निष्ठा के बदले मदन राठौड़ को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर तोहफा दिया। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा भी किया। वही कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखेगी। आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। अभी अभी हमारी सरकार ने काम संभाला है, कानून हमने कड़े किए हैं। आपको पता है कि बलात्कार हत्या पर हमने मृत्यु दंड देने का प्रावधान भी किया है और हम कड़ाई से और इस किसी भी प्रकार के अपराध को किस प्रकार से दंडित किया जाए अपराधी को, हम उसमें कृत संकल्प है। जो हम संकल्प हमने लिया जनता के सामने उसको हम पूरा करें। सुमेरपुर के लिए जवाई बांध का मुख्य मुद्दा हमेशा उठता रहता है, आपने माला नहीं पहनने का भी एक प्रण लिया था, जवाई बांध को लेकर क्या कहोगे? देखिए, जवाई बांध पुनर्भरण का हमने संकल्प लिया था और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वसुंधरा जी ने 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और एक रुपया भी उस पर लगा नहीं।